मित्र, देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। युद्ध जैसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं एक राज्य के अंदर। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा समाचार क्या है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और समाचार भी है जिस पर आज आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में एक अवैध मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, और उस विवाद में सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि जब हिंदू समाज के लोगों ने अपनी ताकत को दिखाया है तो इसके बाद जो उपद्रवी थे उनकी जो हालत है वो कैसे खराब हो गई है, इसका जो पूरा विवरण है वो अब अखबारों में छपना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक समाचार पत्र की थोड़ी सी कटिंग दिखाना चाहता हूँ। क्या है वो कटिंग, जरा देखिए एक बार। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद या रिसिप्ट इस पर आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये समाचार जागरण का है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पहले, यानी संजौली की जो मस्जिद है, यहाँ पहले करीब 400 से 500 लोग नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन शुक्रवार को 20 लोग ही पहुंचे, समझे आप। यानी आप सोचिए, इससे पहले जब हिंदू समाज ने अपनी ताकत नहीं दिखाई थी, सड़कों पर नहीं उतरे थे, इस अवैध मस्जिद के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला था, उस वक्त तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 500 से ज़्यादा लोग आया करते थे हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पर। हिंदुओं को परेशान करने के लिए प्रशासन, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी की पुलिस है, वो इस जगहों पर लगातार बैरिकेडिंग्स करती थी, सड़कों को रोक दिया करती थी ताकि लोगों को चक्कर लगाकर दूसरी जगह से आना पड़े। अपनी ताकत इस तरह से दिखाते हैं इस्लामी समुदाय के लोग। लेकिन आप देखिए कि जब एक बार हिंदू समाज ने अपनी ताकत दिखाई और गुरुवार के दिन हजारों की संख्या में जब सड़कों पर उतरे और इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की, तो जो 500 की संख्या थी नमाजियों की घटके, वो अब सिर्फ 20 रह गई। सिर्फ 20 रह गई, क्योंकि अवैध जो मस्जिद होती है वहाँ पे वैसे भी नमाज, ऐसा वो लोग मानते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए। हालांकि इनके यहाँ तो नियम बदल जाते हैं, दारुल हरम में नियम अलग होते हैं, दारुल इस्लाम में नियम अलग होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के अब वहाँ पे जो नगर निगम का कोर्ट है, जो कमिश्नर कोर्ट है, जो आयुक्त कोर्ट है, वहाँ पे सुनवाई इस पर शुरू हो चुकी है। और इस कोर्ट के सामने जो वक्फ बोर्ड है वो इस बात को मान चुका है कि ये जो मस्जिद है, जो अवैध मस्जिद है, इस मस्जिद की जो दो मंजिलें ऊपर बनी हुई हैं, ये तो वैसे भी अवैध है। यानी दो मंजिलें तो इसकी टूटनी ही टूटनी है, ये एकदम तय है। बाकी फैसला इस बात पर होना है कि क्या ये जो ज़मीन है, इसके कागज इसके पास हैं कि नहीं है, इस पर फैसला होना है। तो जो जनता का दबाव है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के जो मंत्री हैं सरकार में, अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने जिस तरह से ये खुद कहा और माना कि वो खुद इस इलाके के अंदर ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को जानते हैं, इससे ये मामला इतना गर्मा उठा है कि अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से ये अपील की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर NRC करवाएं, पहचान करवाएं कि आखिर यहाँ पे कितने अवैध बांग्लादेशी हैं। आप सोचिए कितने, जहाँ पे सिर्फ 10 या 20 लोगों को रजिस्टर्ड था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, यहाँ पे इनको शरण दी गई थी, शरणार्थी थे, और उनकी एवज में वहाँ पे उनके नाम पर वहाँ पे हजार से ज़्यादा और घुसपैठिए कहाँ से आ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस बहुत बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। देश के अंदर एक आंतरिक रूप से एक युद्ध की स्थिति तो बनी ही हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि जो बात हमारे एक पूर्व सेनाध्यक्ष ने कही थी कि भारत को ढाई मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक पाकिस्तान का मोर्चा, एक चीन का मोर्चा, अब तो एक और बांग्लादेश का मोर्चा भी हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ अंदर भी एक मोर्चा है, यह आधा मोर्चा है, यहाँ भी एक लड़ाई है। खैर, वो हम देख रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के तमाम इलाकों में किस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा समाचार आज पूरे देश के अंदर सुर्खियों में था। हर तरह की जो बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार थे देश के, हिंदी अखबार थे, वहां पर यह समाचार पूरी हेडलाइंस के साथ प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बहुत सारे समाचार चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को फिर भी ठीक से नहीं दिखाया। खबर क्या है, देखिए, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट हमले में बुजुर्ग की मौत। यहां पर देखिए वही चीज,
मैन किल्ड इन रॉकेट्स अटैक ऑन मणिपुर ईएक्ससीएम हाउस, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर, उसके घर पर, आप सोचिए अगर रॉकेट से हमला हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। देखिए ये वो रॉकेट है, मैं आपको उस रॉकेट की तस्वीर भी दिखा रहा हूं, और ऐसा नहीं कि ये रॉकेट हमला सिर्फ मुख्यमंत्री के आवास पे हुआ, ऐसा ही एक और रॉकेट हमला सुबह भी यहां पे हुआ था। और ये जो इलाके हैं, ये मैतेई बहुल वहां पे इलाके हैं जहां पे इस तरह के हमले हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि आखिर इसकी पूरी पूरी जो डेमोग्राफी है क्या है, और ये हमले इस तरह क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए दरअसल यहां पे दो महत्वपूर्ण जिले हैं मणिपुर के अंदर जहां पर ये रॉकेट हमला हुआ है। ये जो हमला है ये मणिपुर का विष्णुपुर जिला है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के अलावा एक और जिला भी है उसी के पास में, जिसे कहते हैं चूड़ाचंदपुर जिला। तो ये जो चूड़ाचंदपुर जिला है ये थोड़ा ऊंचाई पर है, पहाड़ियों पर है, और जो विष्णुपुर जिला है ये मैदानी इलाके में आता है। तो हो ये रहा है कि जो ये कुकी प्रभावित इलाका, यानी कि जो कुकी उग्रवादी हैं उनके प्रभाव वाला जो इलाका है ऊपर ऊंचाई पर चंदचूड़पुर, वहां पे तो वहां से जो है रॉकेट हमले किए जाते हैं ऊंचाई से, जिनकी रेंज जो है वो 3 किलोमीटर से ज्यादा लगभग है, और वो हिंदू बहुल इलाकों पर हमले किए जाते हैं। और ऐसे ही एक हमला जब मुख्यमंत्री आवास पर हुआ, और वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, उन मुख्यमंत्री जो थे वो मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम है मैरेमबाम कोइसिंग। तो ये जो मुख्यमंत्री थे इन पर, इनके आवास पर हमला हुआ। इस पूरे के पूरे हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 13 साल की एक बच्ची भी है, एक बुजुर्ग जो कि उस पूरे परिसर में, मुख्यमंत्री आवास के परिसर में, जो कि अपना वहां पे पूजा अनुष्ठान करने जा रहे थे, उनको ये रॉकेट आके लगा और उनकी मौत हो गई। और ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं मित्रों, लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मणिपुर के अंदर जो ये कुकी हैं, इन्होंने ड्रोन हमले भी किए हैं, रॉकेट हमले भी किए हैं, और यही वजह है कि इसके विरोध में इम्फाल के अंदर हजारों की संख्या में लोग उतरे और उन्होंने इस तरह के हमलों का विरोध किया। मित्रों मैं सीधे सीधे गृहमंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर एक युद्ध छेड़ा जा रहा है, मणिपुर के अंदर एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। अगर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, अगर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो युद्ध, ये युद्ध जैसी स्थिति है। यहाँ पर सेना को उतार करके जो उपद्रवी हैं उनको भी, और जो उपद्रवियों को संरक्षण दे रहे हैं उनको भी, दोनों को सबक सिखाना आवश्यक है। अगर ये सबक नहीं सिखाया गया तो सरकार का इकबाल बुलंद नहीं होगा और सरकार जो है वो चल नहीं पाएगी। कहते हैं कि जो राजा अपने शत्रुओं को दंड नहीं देता, जो राजा देश के दुश्मनों को दंड नहीं देता, उस राजा का राज खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सीटें कहीं ऐसा ना हो कि 240 के बाद नीचे और घट जाएं, इसलिए उनको सख्त कदम उठाने होंगे, ये अत्यंत आवश्यक है। मित्रों और मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि आप जरूर अपने जो कमेंट्स करें उनमें इस बातों को आप भी बताएं, आपको कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके विचार क्या हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं।